हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। तो बक्सर की नज़ारा कुछ शाम में अलग होता है, तो चलिए शाम के बक्सर की नज़ारा दिखाते हैं। जो बहुत सुंदर सुंदर पंडाल और डेकोरेशन किया गया है, जो लाइट और जानते हैं कि कितना शाम का नज़ारा कुछ अलग होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए फाइनली बक्सर। देखिए बक्सर का रोड कितना चकाचक है, क्योंकि लाइट और डेकोरेशन का तो बात मत करिए, कितना ज़बरदस्त था। बहुत क्राउड होने वाला है, क्योंकि अभी तो पूरा रात्रि बाकी है माँ के दर्शन करने के लिए और दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। लोग तो आइवे करेंगे, लेकिन अभी देखिए फिलहाल नज़ारा कुछ इस तरह बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक है। देखिए माँ का प्रतिमा भी हम लोग देखने जाते हैं, तो देख सकते हैं कि अभी बहुत ज़बरदस्त है, क्राउड भी है थोड़ा बहुत। देखिए ये हम लोग आ गए माँ के दरबार में, आ चलते हैं कुछ दर्शन भी करते हैं, आप लोगों को वीडियो भी दिखाते हैं। तो जहाँ हमको मेन टारगेट था वहीं पर जाऊंगा, जो यूनिक मस्ट जो पंडाल बना हुआ है तो वहाँ पर लेके चलूंगा। फिलहाल देख सकते हैं इस पंडाल के, तो ये अभी अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त पंडाल है। तो बहुत भीड़ भाड़ है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर चलते हैं और नज़ारा वहाँ की दिखाते हैं। देखिए यहाँ पार्किंग साइकिल का लगाया जाता है, देख सकते हैं कितना डेकोरेशन लाइट वगैरह कितना अच्छा है। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बक्सर में न्यू थीम पर हमेशा कुछ अलग चेंज करके बनता है, जो लोग का बहुत मन भावन लगता है। प्लस में जो डेकोरेशन किया गया है उसका तो बात ही मत कहिए। तो यही बक्सर का नज़ारा है, बक्सर का देख सकते हैं कि पूरा रोड खचा खच के भरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए मठिया मोड़ पर नई बाजार। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। आ देखिए ये सबसे मेन जो दुर्गा पूजा पंडाल गिडार का जो बनाया गया है, बहुत खूबसूरत बहुत यूनिक, क्योंकि देखिए कितना भव्य पंडाल बनाया गया है और कितना क्राउड है, क्योंकि सारे लोग बक्सर के यहीं इकट्ठा होते हैं घूमने के देखने के लिए। तो बहुत अमेजिंग और बहुत सुंदर पंडाल है। देखिए लाइट का कितना कम्बिनेशन किया गया है, जो बहुत मस्त लग रहा है। चलिए अंदर दिखाते हैं प्रभु का नभी नजारा।